100 से ज्यादा रेप, 120 से ज्यादा पॉर्न वीडियो, नाम है अमरवीर और बाद में अमरपुरी। आखिर क्या है इस तांत्रिक की पूरी कहानी? आखिर क्यों कभी पीड़ितों ने शिकायत नहीं किया? आइए जानते हैं जलेबी बाबा की जन्म कुंडली। आमतौर पर हम किसी व्यक्ति को उसके पैशन के हिसाब से उसका नाम देते हैं। बाजार में भी उसका नाम उसके कामों के आधार पर होता है, उसके कृत्यों के आधार पर होता है, और इसी कड़ी में समाज ने उसे जलेबी बाबा का नाम दिया। पर बाबा का नाम जलेबी बाबा क्यों? क्या वो प्रसाद में जलेबी बांटते थे? तो करते हैं कहानी की शुरुआत और न्यूज प्लस 21 के खास शो क्राइम 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश चंद्रवंशी, और यह क्राइम 21 का एपिसोड 3 है। आज से लगभग 20 साल पहले पंजाब से हरियाणा के टोहना में अमरवीर नाम का एक व्यक्ति आया। अमरवीर शादीशुदा था, उसकी 4 बेटी और 2 लड़के थे। अमरवीर टोहना के नेहरू मार्केट में जलेबी बेचने एक ठेले में दुकान लगाया। देखते ही देखते उसकी दुकान काफ़ी फेमस हो गई। दुकानदारी अच्छी होने पर और भी सामान बेचने लगा और 10 साल तक कारोबार करता रहा जलेबी और नाश्ता बेचने का। इसी बीच उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। कारोबार के चलते चलते उसकी मुलाकात एक ऐसे तांत्रिक से होती है। तांत्रिक अमरवीर से तांत्रिक शक्तियों के बारे में बात करता है और उसे एक तांत्रिक मंत्र देता है। तांत्रिक के मिलने के बाद अमरवीर अचानक दुकान बंद कर गायब हो जाता है और 2 साल बाद अमरवीर फिर उसी जगह पर आता है जहां वो दुकान चलाता था। पर अब वो जलेबी वाला अमरवीर नहीं बल्कि बालकनाथ मंदिर वाला अमरपुरी बन गया था। जी हाँ, अमरवीर ने बालकनाथ नाम से एक मंदिर बनवाया और मंदिर के बाहर पोस्टर चस्पा करवा दिया जिसमें लिखा था कि दुख और कष्ट हरने वाला। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अमरवीर के तांत्रिक विद्या सीखने की बात लोगों को पता चली और धीरे धीरे लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास जाना शुरू कर दिए। दिन गुजरते गए, भीड़ भी बढ़ने लगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बाबाओं को कितना मानते हैं लोग, कितना अंधविश्वास करते हैं, या फिर आस्था के नाम पर लोगों को किस तरह से लूटने का कार्य हो रहा है। वही नहीं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर भी जाते हैं। कुछ लोगों की समस्या सुलझ भी जाती है इसलिए वो बाबा या पंडित फेमस हो जाते हैं, चर्चे में आ जाते हैं, तो कुछ की समस्या वहीं की वहीं रहती है। हमारे देश में कई बाबा आए जो बाबा होने का ढोंग रच समाज में गंदे कामों को अंजाम दिए, समाज में गंदगी फैलाते रहे। उसी तरह अमरवीर के अंदर भी हवस भरा था। रंगीन मिजाज वाला जलेबी बाबा जैसे जैसे फेमस होते गया उसके अंदर हवस और भी बढ़ता गया। लोगों का भरोसा और तांत्रिक शक्ति से अमरवीर अपनी कुर्सी मजबूत कर लिया था। हवस के उस पुजारी ने अपने भक्तों को प्रसाद में अफीम मिलाकर देना शुरू किया और लोग कहते थे कि जलेबी बाबा मंत्र तंत्र ही नहीं बल्कि सम्मोहन भी जानते हैं। प्रसाद और चाय में जवान युवतियों और महिलाओं को अफीम और नशीली टेबलेट का चूर्ण मिलाकर देता था और कुछ समय बाद जब वो नशे में बेहोश हो जाता तो उनका बलात्कार करता, उनका रेप करता था। हफ्जी अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा रेप करने के लिए एक अलग से तहखाना भी बनवा रखा था जहां वो महिलाओं और युवतियों का रेप करता था। रेप करते करते उनका वीडियो भी बना लेता और ब्लैकमेलिंग करता था। बाबा के इस कारनामे का खुलासा करने कोई सामने नहीं आता था। जिन लोगों के साथ बाबा ने हैवानियत की उन्हें डर था कि शिकायत के बाद कहीं उनका वीडियो या फोटो वायरल ना हो जाए। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो महिलाएं सब कुछ सहती रहीं लेकिन शिकायत नहीं की। पुलिस के सामने मुखबधिर बनी रहीं, कुछ बोलती भी नहीं। आखिर बोलती भी कैसे उन बिचारियों के मन में उस हैवान का भय जो बैठा था। पर आपको तो पता ही है कि अपराध छुपता कहाँ है। काला रंग कितना भी फीका हो सफ़ेद पर्दे पर पड़ने से नज़र आ ही जाता है। बस वो समय आ गया और 13 अक्टूबर 2017 गुरुवार का दिन था। एक महिला बड़ी हिम्मत के साथ थाना पहुंचती है।
बाबा के खिलाफ रेप समेत कई मामलों में अपराध दर्ज कराती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने खुद भी 2018 में एक मामला बाबा के खिलाफ दर्ज किया था। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया, लेकिन जमानत भी हो गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस बाबा के खिलाफ महिला ने शिकायत की, बाद में वो कैसे ऐसे पलटा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको बताना चाहूँगा कि जो महिला शिकायत करने गई थी, उसी के ऊपर उल्टा आरोप लगा कि बाबा से ये पैसा वसूलना चाहती है, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। सोचिए, सच को सामने लाने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। पर खुदा किसी एक का थोड़ी ना होता है। वो 100 रेप जो उस बाबा ने जिन लड़कियों का किया था, वो भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। और वो दिन आया, बाबा के पीछे पुलिस लगी और उसके कब्जे से 100 से ज़्यादा अश्लील वीडियो मिले। तहखाने में जहाँ बाबा रेप करता था, वहाँ से अश्लील किताबें, यौन शक्तिवर्धक दवाएँ बरामद हुई। आखिरकार 4 साल तक यह केस चला। बाबा के इस काले चेहरे का खुलासा होने के बाद लोगों के पैर तले जमीन खिसक गए। 11 जनवरी 2023 को फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बाबा को 14 साल की सजा और 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया। तो ये था जलेबी बाबा का असली सच। और जलेबी बाबा अमरवीर कहाँ से जलेबी बेचने वाला बन गया? जलेबी बेचने से उसके बाद तांत्रिक से मिला। तांत्रिक से मिलने के बाद उसका नाम अमरपुरी हो गया, लेकिन पहले जलेबी बेचता था, इसलिए उसका नाम जो है जलेबी बाबा हो गया। और इस जलेबी बाबा ने कितनी महिलाओं के साथ किस तरह के कांड किए, ये सच जो है जब सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। पुलिस और आसपास के जो लोग हैं, जो अपनी बेटियों को वहाँ भेजते थे, जो अपने बच्चों को भेजते थे, जिनकी माताएँ वहाँ जाती थी, वो सब दंग रह गए कि आखिर एक बाबा ऐसे कैसे कर सकता है। वास्तविकता में हमारे समाज में, भारत देश में, हमें हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। हम अंधविश्वास या फिर किसी बाबा को मानने से पहले ये नहीं देखते कि आखिर ये है कौन, कहाँ से आया, और किसी के ऊपर इतना भरोसा क्यों करना। जब भगवान स्वयं कड़कड़ में है, भगवान ऊपर वाला साक्षात है, तो फिर किसी ऐसे बाबा के ऊपर क्यों भरोसा करना जो हमारी बहन बेटियों को ऐसे कारनामों में शामिल कर दे, अपने हवस का शिकार बना ले। तो ये थी जलेबी बाबा की पूरी कहानी। और इस वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा अगला एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद।